नीतिवचन अध्याय 28 नीतिवचन अध्याय 28 दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। देश में पाप होने के कारण उसके हाकिम बदलते जाते हैं, परंतु समझदार और ज्ञानी मनुष्य के द्वारा सुप्रबंध बहुत दिन के लिए बना रहेगा। जो निर्धन पुरुष कंगालों पर अंधेरा करता है वह ऐसी भारी वर्षा के समान है जो कुछ भोजन वस्तु नहीं छोड़ती। जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं वे दुष्ट की प्रशंसा करते हैं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले उनसे लड़ते हैं। बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। टेढ़ी चाल चलने वाले धनी मनुष्य से खराई से चलने वाला निर्धन पुरुष ही उत्तम है। जो व्यवस्था का पालन करता वह समझदार सुपुत होता है, परंतु लड़ाऊ का संगी अपने पिता का मुंह काला करता है। जो अपना धन ब्याज आदि बढ़ती से बढ़ाता है वह उसके लिए बटोरता है जो कंगालों पर अनुग्रह करता है। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर देता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो सीधे लोगों को भटकाकर कुमार्ग में ले जाता है वह अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिरता है, परंतु खरे लोग कल्याण के भागी होते हैं। धनी पुरुष अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है, परंतु समझदार कंगाल उसका मर्म बूझ लेता है। जब धर्मी लोग जयवंत होते हैं तब बड़ी शोभा होती है, परंतु जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब मनुष्य अपने आप को छिपाता है। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सुफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाती है। जो मनुष्य निरंतर भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। कंगाल प्रजा पर प्रभुता करने वाला दुष्ट गरजने वाले सिंह और घूमने वाले रीछ के समान है। जो प्रधान मंद बुद्धि का होता है वही बहुत अंधेर करता है, और जो लालच का बैरी होता है वह दीर्घायु होता है। जो किसी प्राणी की हत्या का अपराधी हो वह भागकर गड्ढे में गिरेगा, कोई उसको न रोकेगा। जो सीधाई से चलता है वह बचाया जाता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वह अचानक गिर पड़ता है। जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसका तो पेट भरता है, परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है वह कंगालपन से घिरा रहता है। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। पक्षपात करना अच्छा नहीं, और यह भी अच्छा नहीं कि पुरुष एक टुकड़े रोटी के लिए अपराध करे। न्यून दृष्टि वाला धन प्राप्त करने में उतावली करता है और नहीं जानता कि मैं घटी में पड़ूंगा। जो किसी मनुष्य को डांटता है वह अंत में चापलूसी करने वाले से अधिक प्यारा हो जाता है। जो अपने माँ बाप को लूटकर कहता है कि कुछ अपराध नहीं वह नाश करने वाले का संगी ठहरता है। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हष्टपुष्ट हो जाता है। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। जो निर्धन को दान देता है उसको घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह शाप पर शाप पाता है। जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब तो मनुष्य ढूंढे नहीं मिलते, परंतु जब वे नाश हो जाते हैं तब धर्मी उन्नति करते हैं।